देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक स्तर पर फैल रही बीमारी कोरोना के मद्देनजर 22 मार्च 2020 को देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए देश के अन्य शहरों की तरह ननपारा नगर में भी व्यापक बंदी रही। सभी दुकान प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। सड़कों पर यातायात बिल्कुल नहीं हुआ। सड़कों और गलियों में पसरा सन्नाटा बयान कर रहा था कि हम कोरोना से जीतेंगे, देश जीतेगा। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरी तरह लोगों ने एकजुटता दिखाकर कोरोना के खिलाफ खड़े नजर आए। कोरोना को लेकर जो देश में आज बंदी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बंदी जो हुई है कोरोना को लेकर, ये एक अच्छी बंदी है। इसमें जनता को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बीमारी कोई भी हो, ये भयावह पूरी दुनिया के लिए बीमारी बनी हुई है। हमारे यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे तभी रहेंगे जब हम लोग उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे। उसके बचाव के लिए उससे जो हो सके, जो भी दिशा निर्देश गवर्नमेंट दे या स्वास्थ्य विभाग दे, उसका पालन करें। तो उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एक दिन कोरोना वायरस को हराने के लिए एक दिन बंदी की जाए, तो हम लोग उसको समर्थन। बहुत ही अच्छा, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। बहुत ही अच्छा, कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा पहल है। हम लोग 100% सहमत हैं। सारी मार्केटें बंद हैं, हम लोग घर से सुबह से बाहर नहीं निकले, ना ही कोई बच्चा कोई भी नहीं निकला है। बहुत ही अच्छा है, कोरोना से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा मुहिम चलाई। मैं राजेश कुमार द्विवेदी, समाज सेवी, ननपारा बहराइच, उत्तर प्रदेश। हमारे यहाँ ननपारा में माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील पर जन कर्फ्यू में पूरे नगरवासी और पूरे क्षेत्रवासियों ने 100% सपोर्ट किया और पूरी तरह से हमारे यहाँ सफल रहा, और इससे कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। और अभी 5 बजे हम सभी लोग, हमारे जो सम्मानित डॉक्टर एवं जो कोरोना के लिए सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए तालियां और थालियां बजा करके स्वागत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। शहर में दिन और रात तक लॉकडाउन रहा। इसी बीच दिन रात अधिकारियों ने भ्रमण किया और स्थिति की जानकारी लेते रहे। नगर पालिका प्रशासन द्वारा सैनिटाइजर का सड़कों पर छिड़काव किया गया। सायंकाल अधिकारियों ने कोतवाली ननपारा में क्षेत्र के व्यापारियों एवं संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों को लॉकडाउन के बारे में समझाया और अपील किया कि सभी लोग इस भयानक बीमारी से बचें, सावधानी ही बचाव है। कोतवाली में हो रही बैठक में मुख्य रूप से सिटी मजिस्ट्रेट SPR, एडिशनल SP रविंद्र सिंह, SDM ननपारा राम आश्रय वर्मा, क्षेत्राधिकारी अरुण चंद द्विवेदी सहित व्यापार मंडल के अध्यक्ष अब्दुल मुसीर, राजीव गोयल, जीशान हाशमी, मौलाना मोहिद्दीन कादरी, नगर पालिका के चेयरमैन अब्दुल मोहित राजू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जाहिर ही बहुत ही अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को जागरूक किया और कोरोना से लड़ने के लिए हमको शक्ति दी, और हमें इस बात पर बेहद गर्व है कि हम आज प्रधानमंत्री जी के साथ, अपने देश के साथ, जनता के साथ इसका सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पूरा दिन बंदी रखी है, घर से नहीं निकले हैं, बच्चे भी घर में हैं और सारी दुकानें बंद हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग, हमारा देश, हमारी जनता, हमारी व्यवस्था, हमारे नर्सेज स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, सभी लोग मिलकर हमारा सहयोग करें ताकि हम इस भयावह बीमारी महामारी से बचाव कर सकें। मेरा नाम राहुल पांडे है, मैं वकील हूँ। कोरोना को लेकर जो अभी बैठक हुई है, जिनका जो लॉकडाउन रहा है, आज जो है माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे तहसील लॉकडाउन कर कराया गया है। हम लोग अभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी से आप निकल के भागे, इसको आगे भी शिक्षा से तो बताइए चला है। नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की जनता ने पूर्ण समर्थन करते हुए ननपारा में 100% बंदी करके दिखा दिया और लोग अपने घरों में शाम तक भी डटे हुए हैं, सुबह से घरों से नहीं निकले लोग, सड़कों पर पसा सन्नाटा। ये बताता है कि यहाँ के लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। अखंड भारत न्यूज़ के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट, ननपारा बहराइच, उत्तर प्रदेश।
अखंड भारत न्यूज के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।